कोई ताल्लुक हो सकता है, इसमें पुलिस क्या काबिलियत है? अभी तफ्तीश हो रही है, उसमें देखेंगे क्या उनका लिंक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फॉरेन करेंसी भी एक इसका हिस्सा है, टेररिज्म और ड्रग्स, ये तीनों आपस में इनका लिंक रहता है। हम वो पहलू देखेंगे, हमेशा रहे हैं और वो हमेशा बेचारे फेस करते रहे हैं। मेरा सिर्फ ये इतना ही कहना है कि ये जम्मू कश्मीर हमारी सूफी सेंट्स की धरती है, यहाँ ऋषि मुनियों ने हज़ारों सालों से तपस्या की और इस धरती को हमेशा नवाजा है, और मैं सबसे अपील करूँगा कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अध्ययन करना, ध्यान करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने इसको कहाँ लाया। आज खून बह रहा है, एक दूसरे को मार काट हो रही है, क्या हम ऐसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं? बिल्कुल, दरबार साफ ठीक तरीके से होगा, दरबार मूव, और बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर में टूरिज्म भी आएगा और खुशहाली है। तैयारी पूरी है, इलेक्शन बिना खौफ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। बाकी समाज में गलत अनासर होते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमने केस रजिस्टर किया है और कुछ अरेस्ट की हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो भी ऐसा करे। मुझे पूरा भरोसा है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वोट डाल।